देखिए फटाफट से मैं आपको अपने स्कोर बता देता हूँ कि क्या स्कोर था मेरा। देखिए 2016 का स्कोर है ये मेरा, आईबीपीएस क्लर्क प्री। तो इसमें आप देखिए इंग्लिश में 19.25, रीजनिंग में 29.75 और मैथ्स में 31। तो टोटल स्कोर मेरा था 80। 2000, ये 2017 का है, 2000 सॉरी 2016 का। 2017 की मैं बात करूं तो 2017 में यही स्कोर जो था मेरा इसी के आसपास था। ये देखिए आप, मैं दिखाता हूं आपको। ये देखिए इसमें 30 में क्या था, 20.25, ये इंग्लिश का स्कोर है। रीजनिंग में 29.25 और न्यूमेरिकल एबिलिटी में 30.25, यानी कि 79.75, 79.75। 2016 में मेरा मेंस नहीं हो पाया था और 2017 में मेंस मैंने दिया था। तो मेंस में ये देखिए स्कोर मेरा मेंस का है 2017 का। इसमें आप देख सकते हैं कि टोटल स्कोर 110 था और बाकी स्कोर आप देख लीजिए, 40 में 50 में 24.25, इंग्लिश में 29.75 और रीजनिंग में था 27.61 और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में था 28.5। तो ये स्कोर था मेरा। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि ये इसको फिल कैसे करना है वैकेंसी को, और फिर कैसे कैसे तैयारी करना है। मेरे साथ बने रहिए और भी वीडियोस देकर आऊंगा कि किस तरह से 2 महीने में आप इस एग्जाम की बहुत ही जबरदस्त तैयारी कर सकते हैं, जिससे कि आपका भी सिलेक्शन 100% गारंटी के साथ इस एग्जाम में हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को।